गांव में फालतू घूमने वाला, लड़ाई और झगड़े करने वाला और कोई भी काम नहीं करने वाला मुझे ही सुब्रमण्यम कहते हैं। और यह है मेरा दोस्त काला। और यह है वीर। और ये मनोज। दोस्त, पट्टी वलन पट्टी से पलानी तक भाग गया है तो भी भूख हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। चलो चल के कुछ खाते हैं भाई, उसके बाद पता करते हैं चेन्नई की बस कितने बजे आती है। अभी तो तुमने याद किया दोस्त, भूख लगी है। फालतू में सोचने से कोई फायदा नहीं है, जो हो गया सो हो गया। हम लोग कुछ खा के आते हैं और तुम्हारे लिए भी ले आएंगे। मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग जाओ यहाँ से। चलो चलो यार, चलो चलो। अच्छा है पांडे, बहुत अच्छा है। तू तो मर ही रहा है और साथ में इसको भी लेके मर रहा है। ऐसा क्या प्रॉब्लम है हाँ, जो खुदकुशी करने चले हो? हमें एक साथ जीने नहीं देंगे, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग एक साथ मर जाएंगे। तो ठीक है, मर जाओ तुम दोनों, लेकिन मरने से पहले प्रॉब्लम तो बताओ। ये पागल हमें प्यार के बारे में नहीं बताया तो बाकी बातें कैसे बताएगा? क्यों बहन, तुम तो हमें हमेशा भाई कहती हो और ये सब छुपा रही हो। आपसे बताने में डर लग रहा था। ए, तुम लोग चुप रहो यार, अभी क्या करना है बताओ। हमने बहुत प्रेमियों की शादी कराई है, तो तुम्हारी नहीं कराएंगे क्या? कल ही तुम्हारी कार्तिक की मंदिर में तुम लोगों की शादी करा दूंगा, ठीक है? आप मेरी बात मानिए, आप वहाँ मत जाइए। आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? मैं क्या करूँ, तुम्हारी याद मुझे बेचैन कर देती है।
आप ही ना। ओवेलू हमारे पैसों का ब्याज नहीं दे रहा है और तुम उससे पैसे वसूल करने नहीं गई। मैं जाने ही वाली हूँ ना जी। मैं चलता हूँ। चाहिए। ऐसे क्यों बैठी हो तुम? अंदर चल के खाना खा लो। जवान बेटी घर में है और आप ऐसा गंदा काम कर रही हैं। आपको शर्म नहीं आती? ए, बोल तो ऐसे रही हो जैसे हम गलत कर रहे थे। वो तो ब्याज के पैसे लेने आया था। तुम ही आई और हमें बिना वजह के गुस्सा दिखा के दरवाजा बंद करके चली गई। तो क्या मैं भी उसके पास बैठ जाती? ए, ज्यादा जबान चलाई तो दांत तोड़ दूंगी। तुम 6 साल की थी तब तुम्हारे पापा की डेथ हुई। तुम्हें पालने के लिए मैंने कितनी मेहनत की जानती हो तुम? ये तो मेरी बदनसीबी है कि तुम जैसी बेटी पैदा हुई। कृष्णावती, हमेशा तो तुम अपने 32 दांतों को दिखाते हुए 32 मीटर की मुस्कान देती रहती हो, तो फिर आज क्या हुआ जो सूखे मुरझाए फूल की तरह दिख रही हो? मजाक मत कर यार, मैं क्यों पैदा हुई, मैं अब तक क्यों जिंदा हूँ, ये सब मुझे कुछ भी तो पता नहीं। तुम क्यों दुखी हो रही हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम तो पैसे वाली हो। ए, बस कर, पैसा होने से मन खुश हो जाता है क्या? मुझे पता है जिंदा रहने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है यार, लेकिन ज्यादा पैसे ना जिंदगी बर्बाद कर देता है। खैर छोड़ो, तुम्हारी माँ तो मैं क्यों डांट रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आज मेरे पिताजी जिंदा होते ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनकी जगह पे आज मेरी माँ के साथ कोई और था। ये सब सोच सोच के मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई है। तुमने तो कहा शादी करवा दूंगा, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा यार। ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं है, तुम्हारी जिंदगी खराब है? उधर देखो, तुम्हें जिंदगी देने वाला आ रहा है। अच्छा तुम एक काम करो, उन दोनों को देखो कहाँ पर है वो। ठीक है ठीक है, तुम जाकर देखो, मैं भी देखता हूँ। सुनो सुब्रमण्यम, हम सुंदर जवान लड़कियाँ खड़ी और तुम ऐसे ही जा रहे हो। अच्छा मेरी बात छोड़ो, कृष्णावती खड़ी है, उसे तो देखो। अच्छा हुआ तुम दोनों मिल गई। मैं कविता की शादी करा रहा हूँ लेकिन उसकी तरफ से कोई भी नहीं आएगा। अरे तुम भी आ गई। मैं उन दोनों की मंदिर में शादी करा रहा हूँ, इसलिए तुम दोनों और ये कविता की तरफ से आ जाना। ठीक है। इसे सिर्फ तुम दोनों ही दिखाई दे रही हो, मैं इसके सामने खड़ी हूँ, इसे दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या? हे, गली के कोने कोने में ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिला यार। अरे इतना ढूंढा कहीं मिल ही नहीं रहा है, वो करे क्या अभी? पता नहीं कहाँ चला गया। ये लो आ गया। अरे भाई बस तुम तीनों, पांडू कहाँ है? हमने सारा गांव छान मारा लेकिन वो चोर कहीं नहीं मिला। हाँ दोस्त, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। कहाँ है? ये वहीं गया होगा। हाँ बताओ, बताओ दोस्त। तो कहाँ? तो फिर चलो। हाँ चलो, चलते हैं। चलो भाई चलते हैं। ये संभल के जाना। अरे मैं आता हूँ। है अब जाओ मेरी जान। अरे बाप
रे, यहाँ से निकल जाता हूँ। बढ़िया। पांडु, ओ पांडु, अरे बाप रे, क्या बात है, तेरी ये गाड़ी आज यहाँ खड़ी है? हाँ, गाल में खरोच के निशान है, क्या बात है? ये सब सिल्क सारों का माया है। क्यों, क्या बात है, शर्ट पूरी गंदी हो गई है? हाँ, क्या बात है भाई, लगता है कहीं कबड्डी खेल के आ रहे हो। हाँ, क्यों, हमने इसे ढूंढने के लिए पूरा गांव छान मारा, लेकिन ये कहीं और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं महाशय। तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? वो क्या है कि कल पांडे और कविता की शादी कराएंगे। ओ, तो उसके लिए मुझे अरे, और क्या, अरे क्या कर रहे हो, अरे ये तो, अरे ये तो मेरे पांडू का नाम बताना पड़ेगा, बता बता बता, अरे क्या कर रहे हो, बताना तो पड़ेगा सर, कुछ भी हो रहा है। ए भाई, एक काम तो हो गया, अब इस बेचारे को जाने दो यार, बाकी का जुगाड़ कर लेंगे यार। शादी का तो मेरी तरफ से हो गया ना, तो फिर कल शादी में आ जाना, ठीक है? ए, काफी भारी है ये, इसको बेच के यार मस्ती करेंगे हम लोग। नहीं करना है, शादी के लिए है। सिल्क तेरे पास आया था तो तुमने लूट लिया, बाहर आया तो ये लोग लूट लिए, अब क्या करूं? ए भाई, तेरी शादी तो हो गई, अब ऐसे मुंह क्यों बनाए हुए हो? हाँ यार, इस कविता को देखो, कितनी खुश है कविता, खुशी का दिन इसको, खुशी का दिन है यार। इतने डरपोक आदमी से कैसे शादी कर ले, समझ में नहीं आ रहा। ए तो चुप रह। अरे, हम लोगों में सबसे पहले शादी तेरी हुई है, अब शादी की बारी हमारी है। वैसे मेरे लिए ये भी चलेगी, है ना? अबे यार, ये तो छोटी छोटी बातों में डर जाता है। जब प्यार हो जाए ना तो लड़के लड़कियों को आसानी से शादी के लिए मना लेते हैं, लेकिन लड़कियों को ना शादी के बाद बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। अच्छा, तो एक बात बताओ, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ए, इन लोगों की सुहागरात का टाइम हो गया है, इन्हें भेजो ना सुहागरात मनाने के लिए। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? अबे वो रात के 10 बजे के बाद, अभी तो सुबह के 10 बज रहे हैं। ये क्या पागलपन कर रहे हो? नहीं दोस्त, कल तुम लोगों ने सही वक्त पर हम लोगों को खुदकुशी करने से बचा लिया, वरना आज हमारी लाश पर ये माला पड़ी होती। ये तुम क्या कह रहे हो? ज्यादा खुश मत हो, चलो चलते हैं। गले में जो हार है उसे भी नहीं छोड़ूंगा, और जिनकी वजह से पहना है उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ए, तुम लोगों को उसी दिन मारना चाहिए था। पापा, मैंने क्या गलती की? मैंने अपनी जात वाली से शादी की। तेरा मामा नहीं हूँ मैं, मेरी बहन को मार कर तू पैदा हुआ, तूने सोच कैसे लिया कि मैं तुझे अपनी बेटी दूंगा? पिताजी, बेशरम लड़की, तू मेरे लिए मर चुकी है, मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरी बेटी नहीं, आज के बाद से कभी शक्ल मत दिखाना मुझे, समझी? सुब्रमण्यम, इस गांव में तुमसे कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है, ये सोचकर तुम ये सब काम कर रहे हो। सुनो, इनकी शादी शुभ मुहूर्त में नहीं हुई है, ऐसी शादी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। क्यों रे, तुम लोगों ने शादी कराने का ठेका ले रखा है क्या? दामाजी, इन सबको खत्म कर दो आज। दोस्त, इन्हीं लोगों के कारण ये सब हुआ है। देखिए, इन लोगों ने जो बीज बोया है उसकी फसल मैं काटूंगा, इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब चलिए मेरे साथ, चलिए। क्यों रे मोटे, पहले तो सारी उंगलियों में सोना पहनता था, अब सिर्फ एक ही अंगूठी रह गई। अपनी आइटम के घर में जाके सब उसे दे दिया क्या? कैसी बात करते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं। तुम भी तो उसके घर छुप छुप के जाते हो, देखो ना तुम्हारी सेहत गिरने लगी है, देखो कितने दुबले हो गए हो, और उससे बात कर रहे हो। ठीक है, ये राज की बात अपने ही तक सीमित रखो, ध्यान रखना वहाँ तीसरा आदमी ना घुसने पाए। अरे अब तुम्हारा हो गया तो मैं जाऊँ क्या?
हाँ भाई तू जा यार। और तू सुन, तू मौका देके चौका मत मारना, समझ गया ना? क्या दोस्त लोग, ये मनोज कहाँ चला गया? अभी तक नहीं आया, कितनी देर हो गई। आ तो जाना चाहिए था अब तक से। अरे उसे आ जाना चाहिए था ना अभी तक। ए आ रहा है वो। अभी देखना, ये कहेगा कि वहाँ चाचा बैठा था, बाप बैठा था, दुनिया भर की कहानी सुना के हमें पका देगा, देखना तू। आने में देर क्यों हुई? अरे जब दुकान में गया तो वहाँ तुम्हारा बाप बैठा था, उसके पीछे इसका मामा बैठा था, सवाल भाई पूछ के मेरी हालत खराब कर दी। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, देखा ना? तुम लोग मुझ पर फालतू शक करते हो यार, इसलिए मैंने जाने के लिए मना किया था। अरे बकवास बंद करो और ये ले बैग बना, चल। चेयर्स। अच्छा दोस्त, ये शराब पीने से पहले चेयर्स क्यों करते हैं? अरे यार सबको पता चल जाता है कि शराब पी रहे हैं, सिर्फ ग्लास को नहीं पता होता ना। अरे यार सुब्रमण्यम, इतनी मुश्किल से कविता और पांडे की शादी तो करा दी, पर अब आगे क्या होगा ये सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है यार। ए, और एक वो भारत है, अपनी साइड का है फिर भी कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। मुझे तो ये पहले ही पता था, ये एक ना एक दिन तो होगा ही और फंसेंगे भी। वो बेचारे तो मरने वाले थे हाँ, लेकिन उन दोनों की हम सभी ने मिलके शादी करा दी, तो इसमें क्या गलती है? आखिर उन दोनों की जात भी एक है। लेकिन ये लोग है ना, उन बेचारों को शांति से जीना मुश्किल कर रखा है। अब ले ले ले, ठीक है उसे ही दे दो, उसे ही दे दो। अरे भाई यार, मेरे अरे क्या कर रहा है, ज्यादा डाल दिया क्या? दोस्त मैं एक बात बताऊं क्या? तो बताना, बता। अच्छा मैं बाद में बताता हूँ। लगता है इसको चढ़ गई है ना? ए, पी लिया ना? चल अब चलते हैं। चल ना। चल। चलो अरे गिर गया यार, उठाओ मेरे। यार फिर गिर गया मेरा। अरे मुझे उठाओ। या भाई ये रास्ता टेढ़ा क्यों चल रहा है भाई? वैसे मोटे को एक लड़की मिल गई है, नहीं तो अपने गांव में इसे कोई लड़की नहीं देता। भाई देखो हम भी कल शादी कर लेंगे। तू अपनी बकवास बंद कर, हमें भी कोई अपनी लड़की नहीं देगा। हे कारिया, हम क्या राजा महाराजा है कि कोई भी हमें लड़की दे देगा? अरे जिंदगी जियो, पियो खाओ, ये लड़की वड़की शादी वादी का सपना। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो यार। ए मनोज क्या कहा तूने? अरे क्या रे, रोज रोज दारू पीकर आते हो, ऐसे पीकर आओगे तो तुम्हें लड़की कौन देगा? ए ए बुढ़िया, अभी तो जिंदा है, ऊपर नहीं गई क्या? क्या बात कर रहे हो रे, तुम्हारा दादा चला जाएगा, तुम्हारा काका चला जाएगा, तुम्हारी माँ चली जाएगी, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाली, यही रहूंगी तुम्हारी छाती पे मुंह गलते हुए। ए क्या बुढ़िया से पंगा ले रहा है। चल चल हट, ना कटिंग कराता है, ना 7-7 दिन तक नहाता है, जब देखो तब बस दारू पी कर आवारा गर्दी करता फिरता रहता है। दादी भूख लगी है बस। बैठ बैठ, लाती हूँ तुम लोगों के लिए खाना।
मेरे घर जैसा है। यह तो मेरा ही घर है। माँ सोई नहीं होगी, चुपके से जाना पड़ेगा। क्यों डांटूंगी बेटा, जब तू पहली बार पीकर आया था तभी मुझे तुझे डांटना चाहिए था। अब तुझे डांट के क्या फायदा बेटा, अभी जो तेरा हाल है उस हाल में मैं तुझे जो भी कहूंगी तू समझेगा थोड़ी ही ना, इसलिए अब मैंने तुझे कहना ही छोड़ दिया है। अब चल बेटा खाना खा ले। क्या बात है माँ, आज खाना ऐसा क्यों बना है? क्यों बेटा, आज कौन सा दिन है तुझे पता नहीं है क्या? आज तेरे पापा की बरसी है और आज उनका दिन है, ये तू भूल गया ना बेटा? आज पिताजी की बरसी है और मैं दारू पी कर आया, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ? कमाने लायक तेरी उम्र हो गई है लेकिन दिन भर घूमता रहता है, ये मेरी बदनसीबी है, और रात में भी जल्दी घर पर नहीं आता। तू नहीं सुधरेगा, तू जैसी औलाद तो ना हो यही अच्छा है। पता है लोग तेरे बारे में क्या क्या कहते हैं? बिना बाप का बेटा है इसलिए लोग ज्यादा तेरे बारे में कुछ नहीं कहते। अरे तेरा फिर से भाषण शुरू हो गया, एक बार सुन ले, घर छोड़ के चला जाऊंगा, बोल देता हूँ। बोल दिया तो हो गया, 10% ब्याज से पैसा लेकर आई हूँ, अब वो मुझसे पैसा मांगने आएगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? तुम तो उसकी बेटे के साथ मस्ती करते फिरते रहते हो। देख बेटा उससे दोस्ती मत कर, समझ गया? अरे उसने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया, तुम उसको नहीं बोल रही हो, उसको जाके बोलो ना। कुछ काम काज नहीं करता, घर बैठे मुफ्त की रोटी तोड़ता है, पूरा गाँव मुझ पर थूकेगा नहीं क्या? ए, थोड़ा सा खा कर जा बेटा। तुम ही खाओ अपना खाना, मैं नहीं खाने वाला। ए, तू रुक, माँ आखिर परेशानी क्या है? अरे बेटा ये खाना खाए बगैर जा रहा है, तुम लोग आके खाना खा लो। ए भाई मुझे खाना उन्होंने नहीं खाना, तुम्हें खाना दिखाओ। ए क्या खाना नहीं चाहिए, ज्यादा नखरे मत दिखा। माँ तुम खाना लगाओ, मैं इसे लेके आता हूँ। ठीक है, पागल हो गया क्या? चल। अरे मैं नहीं जाऊँगा, भी कोई इज्जत है यार। क्या यार, मान स्वाभिमान क्या देख रहा है तू? अपने घर से हमें भगाना चाहता है? तुझे प्यार से खाना खिला रहे हैं तो तुझे बड़ी बातें आ रही हैं? क्या चाहता है तू, चले जाए हम लोग यहाँ से? अभिमान आ गया है तुझमें? अभिमान नहीं खाना है मुझको। ए ये ऐसा झूठा गुस्सा अपनी माँ के सामने दिखाएगा तू? ए, चलो चलो चल चल ना यार, चल चले यार, ये तो चला। मैं पानी लेकर आती हूँ। ए मुझे दे। ला मुझे भी दे। खा ले, खा ले। पेट भर के खाना सब।
जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेहनत करके तुम लोगों को खिलाती रहूंगी। तुम लोग फालतू में गांव में घूमना छोड़ दो बेटा, कुछ कामकाज करके सुधर जाओ। तुम लोग खाना खाओ बेटा, इसे समझा के क्या फायदा। वेलू भाई, ए हाँ, बाहर आओ। क्यों रे, पैसा लेने के लिए मुझे ढूंढ कर मेरे घर आएगा और पैसा वापस देने का मन नहीं है? मेरे पैसे लेकर खा गया और अब बीवी के साथ मजे कर रहा है? लोगों को तेरे घर भेजा तो तेरी बीवी कहती है कि तू घर पर नहीं है। 3 महीने हो गए हैं, एक कौड़ी ब्याज नहीं मिला। असल तो भूल ही जाओ। एक बात सुन, मुझे मेरे सारे पैसे अभी के अभी यही चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? पैसा लेने आया था तो बड़ी गरज कर रहा था और अब देने के टाइम नानी मर रही है। दीदी कुछ दिनों से ये घर पर ही है, बीमार थी इसलिए। क्या कहा भाई साहब, बीमार है क्यों? तू तो ठीक है ना, दिखने में तो ठीक ही लग रही है। जा और जाके किसी के साथ सो के मेरे पैसे ले आ। ए, 10 दिन में पैसे दे दूंगा तेरे। तेरी तो किससे बात कर रहा पता है ना? क्यों रे, 10 दिन का टाइम मांग रहा है? ठीक है, तो तेरी बीवी मेरे यहाँ 10 दिन तक रहेगी। पैसा ले आना और फिर अपनी बीवी को ले जाना। चल रे, चल। दीदी दीदी बड़ा नाटक करती है, चल अब चल मेरे घर में काम करना। जब तेरा पति पैसा लेकर आएगा ना तब जाना। दीदी, ए बड़ो, जल्दी से गाड़ी तैयार करना यार। मुफ्त में पंचर बनवाता है, बातें बड़ी करता है। सुनना मस्त लग रही है, चलना कोने में। हाँ चलना, मस्त वहाँ जाके मस्ती करेंगे और क्या है? तेरी इतनी हिम्मत बदतमीज कहीं का? ए, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे तमाचा मारा। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ, तुझे उठा कर ले जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चली गई, समझी? मुझे। ए, यही क्या कर रहा है हा? क्या कर रहा है तू, इसको क्यों परेशान कर रहा है? अरे अरे भाग रहा है, बचा लो मुझे। ए सुब्रमण्यम, पता है ये कौन है? जानता हूँ इसको, एक लफंगा दूसरे लफंगे को सपोर्ट कर रहा है। इज्जत से बात कर, वरना भरत से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तुझे। चल। क्यों बे, डरा रहा है मुझको? लेकिन मैं तुझसे नहीं डरने वाला हूँ। चल छोड़ो दीदी। दीदी चल। छोड़ दो ना। ए, कैसी औरत हो तुम, शर्म नहीं आती? खुद एक औरत होके औरत का दर्द नहीं समझती क्या? जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। अच्छा तो तू भी सुन, इसने पैसे लिए तो ये हाल किया। तेरी माँ लेगी ना तो मुंडन करके वापस लूंगी पैसा। hey! अगर दोबारा मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा तो तेरे इस जीप को काट कर फेंक दूंगा मैं। तुझे मेरी माँ के बारे में बोलने का कोई हक नहीं, ये तुम्हारी गुंडागर्दी तुम्हारे पास ही चलेगी, मेरे पास नहीं चलने वाली, समझ गई ना? काट के रख डालूंगा तुम सबको, समझा रहा हूँ तुम लोगों को, समझ जाओ इसी में भलाई है। ए सुन, क्या इन फालतू लफंगों के साथ घूमती रहती है? चल घर में, किसी लंगड़े लूले के साथ तेरी शादी करा दूंगी। माँ
सच्चाई क्या है बिना जाने कुछ भी मत बोलो तुम। जब मैं आ रही थी तो पता है इसने मेरे साथ क्या किया? ए भरत, इन फालतू लोगों ने कोई प्रॉब्लम की है क्या? मैंने देखा था ये लोग तुम्हारे साले को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। आज अगर इन लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं होगा। इन लोगों की कंप्लेन हम लोगों को पुलिस में करनी चाहिए। साहब हमें माफ कर दीजिए। तू नहीं सुधरेगा ना। कितनी बार कहा है कि गांव के लफड़े में मत पड़ मत पड़। क्यों रे, क्यों हमेशा मेरी बेइज्जती करवाता है गाँव में? चल चल यहाँ से। अब पता लगा। ए, तू कहाँ जा रही है? चल मुझे। चल घर चल। छोड़ो माँ, थप्पड़ मारने से पहले पूछ तो लेती बात क्या थी। ए सुब्रमण्यम, मैंने जो किया तेरी भलाई के लिए किया। ए कोई जाके इसे समझाओ ना। तूने ही तो सबके सामने उसे थप्पड़ मारा है, अब वो कहाँ तेरी सुनेगा। चलो चलना यार। ए सुन ना बेटा। ए सुब्रमण्य, अरे प्रेसिडेंट साहब रुक जाइए। अरे सुनिए जरा मेरी बात सुनिए। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे तू? साहब साहब साहब, अरे प्रेसिडेंट साहब आप वहाँ अपना सामान भुलाए थे, ये देखिए। कहाँ मिला? अरे ये वहीं पारो के घर पे छूटा था। अच्छा, किसी ने देखा? अरे किसी ने नहीं देखा साहब, किसी ने नहीं। सच बोल रहे हो? किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं देखा, नहीं देखा। तब ठीक है। कितनी बार आपसे कहा कि सामान छोड़कर मत आया करो, लेकिन आप सुनते कहाँ हैं? वो तो कहिए कि मुझे मिल गया। क्या? आपका सर, ये लीजिए। अच्छा ये बताओ तुम वहाँ पर क्यों गए? अरे वो मैं वहाँ कुछ हिसाब करने के लिए गया था। अच्छा तो ये बात, तो मुझे यहाँ बेवकूफ बना रहा है पागल कहीं के? आज के जमाने में किसी का भरोसा नहीं करता। अरे साहब मौका मिलते ही लोग धोखा दे देते हैं। साहब जी, साहब जी। क्या हुआ? वो आपका छाता वो सिल्क के घर पे छूट गया था साहब जी। तू वहाँ क्यों गया? आपका हिसाब पूरा करने के लिए। अरे अरे हिसाब करने गया था? अरे बाप रे, तेरा हिसाब तो मैं करूंगा। रुक जा, मैं बता रहा हूं तुझे। साहब जी लगती है हिसाब करने गया, झूठ बोलता है। हम परेशानियों को दूर करने में लगे और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। लगता है हम ही परेशानियों की जड़ है। समझ में नहीं आ रहा यार, हमारे गांव के लड़के लड़कियां गलत करेंगे तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे? कभी तेरी माँ ने तुझ पे हाथ नहीं उठाया, पर उसके कारण पूरे गांव के सामने उसने तुझे मारा। इस सब का कारण वो भरत है, हमें भरत का कुछ करना पड़ेगा। हाँ वो देखो लड़की यही आ रही है। आ तो गई, अब पता नहीं यहाँ आके क्या करने वाली है। ए विनी, तुम यहाँ क्यों आई? जाओ यहाँ से। ए तू चुपचाप यहाँ से जाएगी कि नहीं? ए पहले तुम सब चुप हो जाओ। मैं तुमसे नहीं, मैं इससे बात करने आई हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, पर तुम मानो या ना मानो तुम मुझसे प्यार करते हो, नहीं तो उसको ऐसे नहीं मारते। ए बस करो, तुम्हारे साथ नहीं गाँव की लड़की साथ भी ऐसा करता तब भी मारता उसको। नहीं चाहिए हमें, जाओ यहाँ से। दादा चलो चलो। अरे क्या हुआ? चलो देखते हैं। चलो आजा आजा। भाई 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 क्या हुआ? अरे उठो भाई, क्या हुआ? उठो उठो, क्या हुआ? मैंने दो दिन से खाना नहीं खाया। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरे दादाजी के भाई थे, उन्हें भी मरे हुए 7 दिन हो गए। उनके मरने के बाद मैं एकदम अनाथ हो गया हूँ। ठीक है भाई, दादा नहीं है, माँ बाप नहीं है, लेकिन ये बकरियाँ तो हैं। इन बकरियों को बेच दोगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे भाई। गलत है, बहुत गलत है ये। आप नहीं जानते मैंने अपने बच्चे की तरह पालता हूँ, मैंने कैसे कसाई को बेच दूँ? बहुत बड़ा पाप है। मैं इन्हें दिन भर खेतों में चराता हूँ, इनके दूध से थोड़ी बहुत कमाई होती है मेरी, लेकिन 2 दिन से दूध भी नहीं बिका है। खाना नहीं खा पाया इसलिए बेहोश होकर गिर गया मैं यहाँ पर। भाई अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, कोई रास्ता दिखाइए ना खाने पीने का। अरे सुनो, खाना ये लो। खा
खा लो, ये लो, खा लो, पेट भर के खा लो, चिंता मत करो, तुम्हारी इन सारी बकरियों को मैं देख लूंगा, खा लो। ठीक है भाई, ठीक। हाँ खाओ। हाय 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 मुझको बताओ क्या सिर्फ तुम चाहती मुझको, अगर ना चाहती तो मैं अपनी जान दूँ। मैं तो सिर्फ तुम पे मरती हूँ, तुम भी मुझसे मोहब्बत करना, कभी ना भूला देना मुझको। तुम मुझसे दिल न लगाओ, नजरों से नजर मिलाकर तुम मुझको यूं ना छेड़ो। ऐ लड़की मुझे क्यों घूरे ना तेरे पास रे, नजरों से नजर मिलाना अब तो तुम छोड़ दो। मंजिल हमारी एक ही रास्ते पर है। तन न 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 जैसे गीली मिट्टी से तुम मटकी बना लेती हो, लेकिन क्यों तुम मुझको सूखी मिट्टी से घुमा रही हो। नजरों से नजर मिली हमको उनके दीदार हुए, जिए मरे हम एक साथ इसके तुम हकदार हो। तुमने मेरे दिल को चुरा लिया है, दिल को चुरा लिया है, फिर क्यों तू इतने सताती हो। मैं उसके ख्वाबों में खोकर देखो कैसे पागल हो गई, अब मेरे सपनों में बस तू ही बस जाओ सैया। मैं उसके ख्वाबों में खोकर देखो कैसे पागल हो गई, अब मेरे सपनों में बस तू ही बस जाओ सैया।
बचाओ, कहीं बचाओ मुझे, कहीं बचाओ, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, बचा लो मुझे, बचा लो। कौन हो तुम और इतनी घबराई हो क्यों? क्या हुआ बताओ ना। वहां तो कोई भी नहीं है, कोई पीछा कर रहा था क्या? हे शिब्बू, कौन है ये लड़की, यहाँ क्या कर रही है इस वक्त? पता नहीं यार, मैं भी यही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ भी नहीं बता रहा, ये चुपचाप है। देखो तुम घबराओ मत, जो हुआ है वो मुझे बता दो, कुछ ना कुछ हम जरूर करेंगे। मुझसे कोई भी सवाल मत कीजिए, तीन गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे, मुझे किसी भी तरह मेरे गांव मेरे घर तक पहुंचा दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। सुनो, हम अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से ये सब, हम लोग भी गांव छोड़कर चले आए हैं, अभी कंफ्यूजन है कि हम लोग क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। देखो यार, हम लोग पहले ही बहुत प्रॉब्लम में फंसे हैं, अब इसके पीछे लगेंगे तो और फंस जाएंगे। सुनो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, हम बस ऐसे ही घूमने फिरने वाले लड़के हैं, समझ गई? पंचायत का फैसला सुन के हम चेन्नई चले जाएंगे, तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, तुम अपने घर जाओ। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पिताजी जमींदार हैं, मैं आप लोगों की मदद करूंगी, मैं उनसे कहकर तुम लोगों को पैसे दिलवाऊंगी। ए, ये जैसा कह रही है वैसा ही करना चाहिए, ये बेचारी हम लोगों पे विश्वास करती है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, समझ गए? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग है ना, चलो चलते हैं। चलो 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 चलो, बताओ यार। और ये है पलानी समय, ये केरला का रहने वाला है और गाय भैंसों का व्यापारी है, और यहाँ बाजार में आकर अच्छी दूध देने वाली गायों को बहुत कम दाम में खरीदता है और उन्हें बेचकर ज्यादा पैसे भी कमाता है, और ये रिश्ते में महालक्ष्मी का मामा लगता है। लड़की है ना जो गांव से भाग गई थी, ये चार लड़कों के साथ यहाँ क्या कर रही है? साहब, गांव वालों को कुछ भी कहने दो, इनकी बातें मत सुनो साहब, साहब मेरी बात सुनो साहब, साहब 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 मेरी बात सुनो साहब, साहब साहब मेरी बात सुनो, सुनिए तो।
साहब साहब ऐसा मत कीजिए साहब, मेरी बात सुनिए। हटो मेरे सामने से। सुनिए ना, उसकी बात तो सुनिए ना। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ले जाने की, मेरे ही सामने आकर खड़े हो गए। हटाओ। साहब साहब मेरी बात सुनिए। भगवान क्या कर रहे हैं आप? साहब 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 मेरी बात मानिए साहब, साहब ऐसा मत कीजिए साहब। साहब 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 मेरी बात सुनिए साहब, ऐसा मत कीजिए साहब। ए, तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरी बेटी को उठा कर ले गए और अब मेरे सामने आकर खड़े भी हो? कौन हो तुम? पिताजी मेरी बात मानिए, पिताजी इन लोगों ने मेरी जान बचाई है। सुनिए जी, जवान बच्ची बोल रही है उसके बाद समाज में मेरी बेइज्जती करा दी, इन्होंने बचाया बोलकर नाटक कर रही हो तुम। तुम भाग गई थी ये सारा गाँव कह रहा है, तुम मेरी बेटी नहीं, मैं तुम्हारा बाप नहीं। ए चुप कर। गांव की पंचायत में लोगों को न्याय दिलाने वाला इस तरह से अपनी जवान बेटी को घर से भगा देगा क्या? जवानी में तूने जो गलती की है उसके लिए मैं भी तुझे घर से निकाल सकती थी, तुझे नहीं निकाला इसलिए यहाँ खड़ा है। चल बेटी चल। बेटा तुम लोग इसे अपना ही घर समझो, जाके नहाकर तैयार हो जाओ। मणि इन लोगों को कपड़े दे दो। जीजा जी वो भोली भाली लड़की है, आपने उसे डांट के भगा दिया, जाकर उसे ले आइए। अभी हमें कुछ हिसाब किताब करना है, चलिए अभी। सुनो यहाँ मेरी बात कोई नहीं मानने वाला, चलो यहाँ से। और चलो चलो। मालिक माना कि आप बहुत बड़े आदमी हो लेकिन आपने अपनी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया, इन हाथों से पाला है मैंने उसको। तुम चुप रहो। क्या अभी खाना जरूरी है क्या? मुझे टेंशन हो रही है कि लड़की अभी तक वापस नहीं आई है और यहाँ तुम्हें खाने की पड़ी है, जाओ यहाँ से। साहब जी बेटी के कमरे से ये मिला है। साहब जी शादी के लिए गई आपकी बेटी, चार लड़कों के साथ भाग गई। साहब जी हे भगवान, ये क्या हो गया जी? हे भगवान। ये सब क्या है? जिससे मैं शादी करने वाला था उसको आपने किसी और के साथ भगा दिया और यहाँ बुढ़िया के साथ झूला झूल रहे हैं। ये क्या कर सकते हैं भाई? तू तो अपना मुंह बंद ही रख, ज्यादा पतिव्रता मत बन, एक लड़की को अच्छे से पाल नहीं सकी। बता वो लड़के कौन है? वो कौन थे ये तो पता नहीं बेटा, पर बेटी से पूछा तो कहा कि उसने उसकी जान बचाई थी। इसमें सब तुम लोगों की गलती है, कोई भी आए तो पूछना चाहिए ना कौन है, सब निकम्मे हैं। ए बुढ़िया कहाँ है वो चारों, बुलाओ ने बाहर। ए रुको, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महालक्ष्मी, ए महालक्ष्मी बाहर आओ। हुँ?
तुम चार लड़कों के साथ यहाँ आके उनके साथ गुलझर्रे उड़ा रही हो। एक बात सुन लो, तुम्हारे गर्दन में मंगलसूत्र मेरा ही होगा। और हाँ, प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी बात मान जाओ नहीं तो मैं तुम्हें यहीं जिंदा जला दूंगा। क्यों रे, यहाँ आके मेरे सामने ऐसी बातें कर रहा है? मेरी पोती तुझसे शादी करेगी ये सपने में भी मत सोचना। ए बुढ़िया, तू बहुत ज्यादा ही बोल रही है। क्यों, थोड़े और दिन जिंदा नहीं रहना चाहती क्या? ऊपर से तेरा पति आके तेरी रक्षा करेगा, ऐसी बातें करेगी ना तो तुझे भी उसी के पास भेज देंगे। हाँ बोलो। वो लोग घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। उन्हें आने दो, पहले मैं उन्हें समझाऊंगा उसके बाद तुझे समझाऊंगा। अरे जा, तिर जैसे बहुत देखे, आया बड़ा मेरी पोती से शादी करने वाला। अरे दोस्तों, ये सब क्या है? देखो तो कोई दिख रहा है क्या? नहीं यार, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अरे यार ये तो मस्त ताड़ी है, ताजा ताजा। कोई है भी तो नहीं। अरे ये ताड़ी है, जल्दी से पी लो नहीं तो कोई आ जाएगा। हाँ सही है, सही है। एक दो तीन। अरे दोस्त, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार नारियल के पेड़ की दाढ़ी पी रहा हूँ, मस्त है यार। बातें बाद में करना यार, पहले इसको पी ले। अरे दोस्त, इस गांव में एक लड़की ढूंढ कर शादी करके सेटल हो जाते हैं यार। बहुत अच्छा, पहली बार इतनी अच्छी ताली पिया हूँ। अरे अरे, ये बगीचे वाला आ रहा है, चलो भागो। अरे अरे, क्यों भागेंगे? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोगों ने? सब ताली पी ली, अब मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा? वो मुझे बहुत मारेंगे। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे मालिक को मैं देख लूंगा। तुम्हें भी पीना है तो पी लो, बहुत मीठा है। ए भाई, ऐसी बातें मत करो, मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा। ए चुपचाप इस ताड़ी के पैसे निकालो। अबे ताड़ी के पैसे मांग रहा है, पैसे लेगा तू? जान से मार दूंगा। चल भाई, अरे भाई सुनो, अरे पैसे देते जाओ। अरे सुनो, अरे भाई पैसे तो दे दो। अरे अरे मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा मत करो। अरे अरे भाई मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा। मैंने कहा ना, हमसे कोई नहीं टकरा सकता। पहली बार ऐसी दाढ़ी भी मैंने। अरे हाँ यार, बल्ला ही सर। अरे तो कामों का नहीं कर रहा होगा ना। मैं दाढ़ी रोज मेरा पीने को चल रहा है यार, कसम से बोल रहा हूँ। इधर चलो यार। भाई वो देखो, वो लोग आ रहे हैं, वो देखो सामने। मैं तुम्ही लोग को ढूंढ रहा था, यहाँ पी के मस्ती कर रहे हो। ए, तुम लोग कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो। अगर तुम्हें मस्ती ही करनी थी तो कोई और लड़की नहीं मिली क्या? क्यों बे, माँ लक्ष्मी को बचाया ऐसा बोल के अब इस गांव में दादागिरी करना चाहते हो? अगर तुम लोगों ने उसे बचाया है तो भी ठीक है, तुम लोगों ने जो किया सो किया, पर तुम लोगों को अब इस गाँव से चुपचाप चले जाना चाहिए ना। लेकिन तुम लोग इस गाँव से जाने की बजाय गांव में घूम घूम कर दादागिरी कर रहे हो क्या? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो निकलो यहाँ से। हम सबको फालतू समझता है क्या तू? हमारे ही गांव में आके हमें आग दिखा रहा है, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे सुनना, चल के उससे बात करनी पड़ेगी। अरे ऐसे थोड़े होता है, हैं? बताओ, उसे छोड़ेंगे नहीं हम लोग? आओ देखते हैं। छोड़ेंगे यार। ए, तुम अपने आप को आखिर समझती क्या हो? ए, हम छोड़कर जाएंगी ये कहा था? तुम अपने चाचा से मार खिलाने के लिए हम लोग को यहाँ पर लाई हो क्या? पैसे का लालच दे रही हो हमें? अभी फिलहाल ये रख लीजिए प्लीज। इतनी प्यार से दे रही तो क्यों नहीं ले रहा है? हम्म,
खामोश है तू? मुझे तो लग रहा है ये पूरे तीन महालक्ष्मी। क्यों बच्चों, कपड़ों पर कीचड़ लगा है, कहाँ गए थे? कुछ नहीं दादी, बस गांव घूमने गए थे। आपका गांव हमें बहुत पसंद आया और आपकी गांव की हर चीज बहुत खूबसूरत है। लगता है बहुत मस्ती करके आए हो, चलो अब खाना खा लो। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए सुनिए ना सुब्रमणी, उठिए ना। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ, क्या बात है? मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। अभी तो सब सो रहे हैं, तुम भी जाके सो जाओ, कल बात कर लेंगे। हम बाहर जाके बात करें क्या प्लीज? ठीक है, चलो चलो। बोलो क्या बात करनी थी? ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका कारण मैं हूँ। ये तुम क्या कह रही हो, मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, अगर तुम ना होते तो पता नहीं पलानी मेरा क्या हाल करता। बस यही बताने के लिए बुलाई थी, अब जाके सो जाओ। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, तब तक मैं करवटें बदल बदल कर सोऊं, बताओ। मेरे दिल में कुछ तो है जो मैं बता नहीं पा रही और छुपा भी नहीं सकती और बता भी नहीं सकती। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ लेकिन मैं बता नहीं पा रही। अरे इतनी सी बात के लिए तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो, जाके सो जाओ तुम भी। जी नहीं, अब तक मैं न जाने कितने कष्ट और दुख भरी जिंदगी जी रही थी। मुझे दर्द हो रहा था लेकिन मैं अस्पताल नहीं गई, लेकिन इन दो दिनों में मैं एक नया सा दर्द महसूस कर रही हूँ। देखो अभी रात बहुत हो गई है, अभी चलो जाके सो जाते हैं। अरे रे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो तुम कुछ भी मत कहो, रात बहुत हो गई है, कोई देख लेगा तो बहुत गलत समझेगा, जाओ सो जाओ। गांव में क्या पंचायत हुई हमें क्या मालूम, हम अभी कैसे इस गांव से चले जाएं? ए, अभी हम अपने गांव की बात बाद में देख लेंगे। वो बुढ़िया बहुत सारा सोना पहन के घूमती है, अभी तो सिर्फ एक ही चेन मिली है। उस लड़की ने जैसा हमें बताया है हम वैसे ही लूट के चले जाएंगे यहाँ से। अरे ठीक है दोस्त, जैसे ही मौका मिलेगा हाथ साफ कर लेंगे हम। और ऐसा नहीं हुआ तो क्या करोगे बोलो? ए, चुपचाप चलो यार, उसका बाप उस लड़की को कुछ भी नहीं समझता है। तुमने तो सही समय पर चैन लूट लिया, और क्या चाहिए बोलो? ए, तू अपनी जेब से निकाल के दे देना उसे। वो लड़की आगे आगे जा रही है और तू उसका पीछा कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। देख मैं सही बोल रहा हूँ, ये बहुत गलत बात है। क्या बात है, मुझे देखकर भी अनदेखा कर रही हो? मेरी शादी के बाद भी तुमसे मिल नहीं पाई, तुम बहुत स्वार्थी हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे पर तुम इतनी नाराज क्यों हो? तुम्हें पता है उस दिन क्या हुआ? अगर ये चार लोग नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। उसने मुझे मारा और किडनैप करके कार में बिठा कर लेकर गए। तेरे साथ इतना कुछ हुआ, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। क्या हुआ महालक्ष्मी, तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? जो कुछ उस दिन मेरे साथ हुआ उस समस्या का कारण यही है। चलो मेरे साथ।
जमींदार साहब बाहर आइए। उस दिन तो एक छोटी सी गलती पर उस लड़की को बाहर कर दिया, आपने बिना सोचे समझे अपनी बेटी पर शक कर लिया। तुम्हें क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? तुम अपने दोस्त की जिंदगी और अपनी जिंदगी खुश रखना चाहती हो तो बता दो इन्हें सच्चाई क्या है। हाँ साहब, उस दिन ऐसा ही हुआ था। उस दिन मैंने ही लेटर लिखकर महालक्ष्मी को शादी में बुलाया था, क्योंकि मैं एक लड़के से प्यार करती थी, पर जब पता चला वो ठीक नहीं है तो मैंने उसे छोड़ दिया। और जब उसे पता चला मेरी शादी हो रही तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। मैंने महालक्ष्मी को सब कुछ बता दिया। महालक्ष्मी शादी में थी तो उसे वहीं से किडनैप कर लिया। पर मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे तब पता चला जब महालक्ष्मी ने मुझे बताया। जब महालक्ष्मी किडनैप हुई थी तब उन चार लड़कों ने ही उसकी मदद की थी। अगर ये लोग नहीं होते तो आज आपकी बेटी आपके पास नहीं होती। माना कि हम गांव के फालतू लड़के हैं, लेकिन हमारे पास भी दिल है और आपके पास भी है। बेटी के ऊपर शक करना अपनी माँ पे शक करने के बराबर है। जीजा, इन लोगों की बातें सुनकर बिना कोई जवाब दिए जा रहे हो जीजा, ये क्या है बताओ ना। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सारी बातें संभाल लूंगा। महालक्ष्मी रुको ना। ए, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? क्या बात है? बताती हूँ, उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो कोई मदद करने नहीं आया। अब मैं तुमसे क्यों बात करूँ? नाराज मत हो यार, मेरी माँ ने मुझे रोक लिया था। महालक्ष्मी चलो, बहुत बातें हो गई, चलो मैं तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगा देती हूँ। क्यों, क्या हुआ? महालक्ष्मी नाराज क्यों है तेरे से? क्या कर दिया तूने? हम अपना काम करते हैं, चलो। तुम अच्छा ये बताओ, तुम लोग गणपति को क्यों नहला रही हो? मानना है कि जवान लड़कियां अगर गणपति को नहलाए तो उनकी शादी जल्दी हो जाती है। देखो तो। तो हम लोगों को भी गणपति जी को नहलाना चाहिए ना। अरे रे रे, अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है क्या? जरा देखो तो इन्हें। इसको तो मैं लूंगा। ये मेरा तो अफेयर है ना, छोड़। अरे तो क्या है, तो क्या शादी नहीं करनी है क्या मुझे? अरे क्या कर रहे? अरे अरे ऐसे मत लड़ो यार, बगल में कुआं है, ऐसे लड़ोगे तो कुएं में गिर जाओगे। ऐसे तुम लोग लड़ना बंद करो, जाके नहा लो। ये आजकल के लड़के भी ना शादी के लिए गणपति को नहला रहे हैं। ये बुढ़िया हमारे पागल है क्या? ये क्या यार, क्या हुआ? अरे चलो 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 चलो, कोई मदद करो। अरे कोई तो मदद करो, मेरी बेटी। साहब साहब, मेरी बेटी बेहोश होकर गिर पड़ी। साहब साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए। तुम लोग ताड़ी उतार कर बेच कर खा जाते हो और अब नाटक कर रहे हो? जो ताड़ी पिए और मटका तोड़ा है ना, उसका पैसा भरना पड़ेगा। तुमको याद रखना, मेरी बेटी मरे या जिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बचा लीजिए साहब, साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए। साहब मेरी बेटी को कोई तो बचा लो। अरे क्या हुआ आपकी बेटी को? क्या हुआ मेरी बेटी को? बचा लो, इसको तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। चलो 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 जल्दी करो, जल्दी करो, चलो 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 चलो। अरे अरे चल, अरे चलो चलो जल्दी कर। साहब इन्हें हॉस्पिटल छोड़ दीजिएगा। हाँ ठीक है। ए, इधर
तू इधर जल्दी आ। ए, वो चेन दे मुझे। कौन सी चेन? अरे जो माँ लक्ष्मी ने दिया था यार, जल्दी दे, जल्दी कर, जल्दी कर। ये ले, रख लो, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी करो। मेरी बेटी, सुब्रमण्य। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। क्या बात करनी है, बोलो ना। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। इनके सामने भी बोल सकती हो? नहीं, हम कहीं बाहर चलकर बात करते हैं। हाँ सुब्बू, ये तुझसे अकेले में बात करनी चाहती है, इसे लेके जा और अच्छे से बात करके आ। जा। हाँ जाना। अरे जाना यार। अरे यार क्यों नहीं। ए, चलो भाई चलो, हम लोग चलते हैं। उधर चलते हैं। हाँ सही बात है। हाँ अच्छा। अरे तुम पीछे जाके बैठ जाओ। पता नहीं यार, आगे बैठी तो कुछ हो रहा था। ए, बोलो ना, क्या हुआ, यहाँ क्यों लाई हो? अरे क्या हुआ, कुछ बताओगे भी? वो मेरी फ्रेंड कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? कि अगर तुम जैसा लड़का आखिर तक मेरे साथ रहे तो मेरी जिंदगी खुशी से संवर जाएगी। पागल हो गई हो क्या? तुमने कहा था मेरे साथ चलो, कि तुम बहुत परेशान हो इसलिए मैं चला आया, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हा? जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए, तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? हा? तुम्हारे बारे में जानने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ए, ये सब कहना बहुत आसान है लेकिन जिंदगी में करना बहुत मुश्किल। और सुनो, जो तुम कहोगी वो सब मैं नहीं कर सकता, समझ गई? तुम ठहरी पैसे वाली लड़की और मैं एक आवारा गांव का लड़का। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम कोई दूसरा ढूंढ लो। तुम इतनी सुंदर हो कि तुमसे कोई भी लड़का शादी कर सकता है। अब छोड़ो भी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।
क्यों रे, तुझे अगर गांव घूमना था तो तुझे मुझे बताना चाहिए था ना। इस तरह के फालतू लोगों के साथ तू गांव घूमने निकली है। मर्द बनता है तू? इस लड़की बहादुर उठा के मर्द बनता है तू? मर्द है तो मेरे से लड़ना। मेरी बात मानो, अगर वो उसे पसंद करती है तो उसके लिए उसे छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ दूं? ये लड़की सिर्फ मेरे लिए पैदा हुई है और मैं ही इससे शादी करूंगा। किसी के कहने पे मैं क्यों छोड़ दूं? ए पागल पलानी, पता है तू किससे बात कर रहा है? अरे तुम्हारा औकात एक जूता के बराबर भी नहीं है। ए, इस समय इन लोगों को इंसान समझ के इज्जत दे रहे हैं, इन्हें तो उसी दिन मार देना चाहिए था। नशे में थे तो मारा था, आज मार के दिखाओ। Hey, तुम लोग क्या सोचते हो, हम लोग यहाँ पे हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे क्या? जरूरत पड़ने पर हम कुछ भी कर सकते हैं, समझा क्या? सुनो, यहाँ सब करवा के तुम लोग तमाशा देख रहे हो, अगर ये मुझे नहीं मिली तो यहाँ सैलाब आ जाएगा। चुप रहो तुम लोग, तुम लोग रिश्तेदार हो ये सोच कर मैं अभी तक चुप था। बेटी से तुम्हारी शादी कराना चाहता था ये सच है, लेकिन जब गाँव में तुम्हारे बारे में पूछताछ की, अपनी बेटी की शादी तुमसे करा कर बर्बाद नहीं करना चाहता उसे। मेरी लड़की गांव छोड़कर भाग गई थी, गांव वाले ये गलत बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये भाई जो यहां पर खड़ा है मेरी बेटी को गलत कहने की वजह से मारा था। मैं इसकी जात और गोत्र नहीं जानता, लेकिन इसने मेरी बेटी की हिफाजत की। अब मैं सबके सामने कह रहा हूं कि कल अपनी बेटी और इसकी बड़े धूमधाम से मंगनी करने जा रहा हूं। आप सबसे निवेदन है कि मेरे घर में आ जाइएगा। मामा, रिश्तेदारी जोड़ने की जरूरत नहीं है। जीजा जी, आपने तो कह दिया, पर एक बार लड़के और लड़की से भी तो पूछ लो। बेटी, तुम्हारी भी मंजूरी है क्या? जो पिताजी की मर्जी। ए, तुम्हें मंजूर है क्या? तुम तो बोलो। ए, बोलना, बताना, बोलना, बताना। अरे तो चुप क्यों है? बताना, क्या बोल रहा है? बोलना, बोलना यार, बोलना। कह दो क्या? हाँ मंजूर है, दोनों का ये रिश्ता मंजूर है। कल मंगनी होगी, सभी लोग घर पे आ जाइएगा।
बहुत डर लग रहा है यार। मैंने हाँ तो बोल दिया, लेकिन हम लोग तो कोई भी काम नहीं करते हैं यार। ये तो बहुत अन्याय कर रहा हूँ मैं उसपे। सही कहा, तुम तो हरिश्चंद्र के भाई हो ना। इस तरह से न्याय और इंसाफ की बातें करते रहोगे ना तो जिंदगी भर तुम्हें कुंवारा रहना पड़ेगा। अरे यार, तुम्हें अच्छी जिंदगी मिल रही है तो क्यों नखरे कर रहे हो? देखो, अब तुम्हें मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए, समझे? भाई, ऐसी हालत में हमें पूरे गांव में कोई लड़की नहीं देगा। क्यों सोने की थाली छोड़ के मिट्टी की थाली में खाना खाना चाहते हो? वो सब ठीक है यार, माँ कैसी होगी ये सोच रहा हूँ मैं। वो मेरे बिना खाना तो छोड़ पानी भी नहीं पीती है। मेरे बारे में वो सोच सोच के मर जाएगी। माँ को समझाना बहुत मुश्किल है यार। माँ से बात करके हम उन्हें समझा लेंगे और माँ ये बात सुनकर के बहुत खुश होगी, पता है ना तुझे। ए, उधर देख, महालक्ष्मी आ रही है। अरे महालक्ष्मी को तुझसे कोई जरूरी बात करनी होगी, जाके बात करना यार। देखना कितनी खुश लग रही है वो। अरे जाना बोल रहे हैं तो जा क्यों नहीं रहे यार? ए, जाना जाके बात कर। जाना यार, जा, पागल है क्या? अबे जाके बात क्यों नहीं करता? इतना सोच क्या है? जाना जाना। तुमसे बात करना चाहती थी इसलिए। बोलो ना, क्या बात है? तुमने हाँ कह दिया इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? अगर तुमने शादी के लिए मना कर दिया होता तो शायद मैं मर जाती। ये क्या पागलपन की बातें करती हो? मेरी वजह से तुम अपने माँ बाप को छोड़ दोगी क्या? तुम्हें ये पता है ना कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे कितना प्यार करते हैं? पागल जैसी बात करती हो। सुब्रमणि, उस लड़के से शादी करके हर रोज मरने से अच्छा है कि अपने पसंद के लड़के से शादी करके मैं खुशी से मर जाऊं। तुम जानती हो ना कि मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो वो ठीक है, पर गांव वाले क्या कहेंगे? ए, तुम गाँव वालों की चिंता क्यों करते हो? तुम सिर्फ मेरी चिंता करो। ए, अभी शादी भी नहीं हुई और ऐसा कह रही हो? मैं ऐसी हूँ और ऐसा ही कहूँगी। ए, मेरे बारे में जानती भी हो? मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम बहुत प्यारे हो। सच में इतना चाहती है तुम? ए सुब्रमणि, अगर दिल से दिल मिल गए तो किसी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मैं सब देख लूंगा साहब। नमस्ते साहब। साहब, आज मेरा मन बहुत खुश है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शादी बहुत धूमधाम से हो रही है। हाँ, अरे हाँ, पंडित जी आ गए। आइए पंडित जी, आइए आइए आइए। अरे रास्ता दो भाई, रास्ता दो। पंडित जी आ गए, हटो हटो हटो, रास्ता दो। आज का ये दिन बहुत ही शुभ है और आज के इस शुभ अवसर पर महालक्ष्मी और सुब्रमण्यम की मंगनी तय हो रही है। ये दोनों ही परिवारों के लिए अत्यंत ही भाग्योदय का समय है।
यहाँ उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध है कि वो दोनों वरवधु को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनका वैवाहिक जीवन सफल हो। की आनी चाहिए की साथ में, समझ गया ना? चल चल शुरू हो जा, बहुत अच्छे। हाँ? हाँ? हाथ हटाओ। क्यों साहब, पुलिस की बात नहीं मानोगे क्या? कहना क्या चाहते हैं आप? हमारे साहब के बारे में जानते हो क्या तुम? वो कोई भी हो, उससे मुझे क्या? पट्टी वरण पट्टी में कृष्णा वरण नाम की एक लड़की की इज्जत लूटकर भागा ही है, छोड़ो हमें। और तुम लोग इसकी हिफाजत कर रहे हो, हमें शर्म नहीं आती क्या? चलो उठो, चलो वो बोलना है थाने में बोलना, चलो। क्यों पारस भाई, आप कोई खास बात बताने वाले थे? आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा प्लान है। हाँ भरत, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम अच्छी तरह से प्लान करके किसी को भी खत्म कर सकते हो। उस सुब्रमण्यम को खत्म करना
यही तुम्हारा प्लान है ना? उसके बाद अपने मामा की बेटी से शादी करके उसके पूरे जायदाद का मालिक बनना चाहते हो, क्यों? सही कहा ना? ए, तुम तो मेरे से भी बड़े खिलाड़ी हो। सही है यार। अरे जब तुमने मुझे पहली बार बुलाया था ना, तभी मैं तुम्हारी पूरी कुंडली जान गया था। ए, तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो। अगर तुमने मेरा काम कर दिया ना, तो जो तुमने कीमत मांगी है उससे भी ज्यादा दूंगा। सिर्फ सुब्रमण्यम को नहीं, उसके सभी साथियों को मार कर भी उनकी खबर मैं तुम तक पहुंचा दूंगा। और ये तुम्हारे दिए पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव की समस्या को खत्म करने के लिए। पीने का बहुत मन कर रहा है, पैसा है तो देना। अरे यार मेरे पास एक पैसा तेरे भी पास नहीं है क्या? अरे यार मेरे जेब में तो धूल भी नहीं है। ए भाई वो सब छोड़ भाई, वो देख कौन आ रहा है, देख ना, देख पीछे देख, वो देख बिरयानी वाला मुर्गा मुर्गा। ए मैं तुम लोगों को कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, और तुम लोग यहाँ हो, चलो तुम्हें घर पे बुला रहे हैं। क्यों मेरी जान, क्यों बुला रहे हैं, जरा ये तो बता दे। तुम लोगों ने मेरी जो अंगूठी निकाली थी ना, उसके बारे में माँ को पता चल गया है। ए, चलो इंतजाम हो गया पीने का क्या? अरे यार अब ये क्यों आ रही है? अच्छा सुनना, सुब्रमण्यम को यहाँ बुलाना। हाँ ठीक है, बुला के लाती हूँ। सुब्रमण्यम, कविता तुम्हें बुला रही है। क्यों, क्या हुआ? वो तुम उसी से पूछो ना। ठीक है आता हूँ। क्या है? मैं तुम्हारे साथ कोने में चलूँ क्या? चप्पल से मारूंगी, आया बड़ा साथ चलने वाला। ए, तू हर जगह घुसेगा क्या? हाँ? हाँ? पागल है यार। तुम लोग नहीं होते ना तो मेरे साथ जाती, समझा? तुम लोग यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ। रुको मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। तुमसे अकेले में बात करनी है, चलो। देखो ये अच्छी बात नहीं है। सुनो सुब्रमण्यम, तुम सब जानते हो लेकिन अनजान बनने का नाटक करते हो तुम। मैं जितना तुम्हारे पास आती हूँ तुम उससे दूर चले जाते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सुब्रमण्यम, मैं बचपन से ही सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे जी रही हूँ। मेरी माँ ने मेरी शादी किसी और से कराने का फैसला ले लिया है। किसी और से शादी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। एक लड़की होकर भी मैं बेशर्म की तरह कह रही हूँ उससे शादी कर ले। अच्छा तो तुम ऐसी ऐसी बातें करके मुझे बहलाना चाहती हो ना? देखो तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, मेरे जैसे लड़के से शादी करके तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? अगर किसी लड़की के पीछे कोई लड़का पड़ जाए तो बड़े गर्व की बात होती है, और तुम हो कि लड़के के पीछे पड़ी हो। देखो तुम्हारे घर वाले जिससे कह रहे हैं उसे शादी कर लो और अपना घर बसाओ जाओ। सुब्रमण्यम, जिस लड़के के पास अपना पेट भरने के लिए बंदोबस्त ना हो वो तुम्हारा कैसे पेट भरेगा? क्या हुआ, बताती क्यों नहीं, सिर्फ आंसू बहाते हुए जा रही है। मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताएगी भी या नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे। बहरी हो गई है क्या? ए बता क्या हुआ। ए बता ना क्या हुआ, वहाँ उसने कुछ गलत कहा क्या? वो मुझसे प्यार नहीं करता, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। तो जाने दे, चिंता मत कर, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही कर। हमारे भगवान स्वामी शंकर है ना, उनके मंदिर में जाकर मन्नत मांगना। मैं सच कहती हूँ, अगर तू ऐसा करेगी ना तो उसे हासिल कर लेगी। जिन जिन लोगों ने मन्नत मांगी है सबकी इच्छाएं पूरी हुई हैं।
समझ गई ना तू? चल अब चलते हैं। ठीक है चलो। ए लड़की, तू वाले सम्मा की ही बेटी है ना? हाँ माँ। ये मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। ठीक है। हे भगवान जी, मैं मन्नत मांगती हूँ कि सुब्रमण्यम से मेरी शादी हो जाए। क्यों बेटी, मन्नत मांगी हो क्या? जी पंडित जी, मेरी मन्नत पूरी होगी ना पंडित जी? पूरे मन से मन्नत मांगोगी तो भगवान जरूर पूरी करेंगे। इसको छुओ बेटी। इस लड़की ने मन में क्या मन्नत मांगी ये यही जानती है, पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसकी मन्नत पूरी हो। इसकी मन्नत पूरी करो। जाओ बेटी, तुम्हारी मन्नत पूरी होगी। ठीक है पंडित जी। क्यों भाई, हमने इस गांव में सबका भला किया, सबके लिए अच्छे काम किए। कविता और उस पांडे की शादी भी करवा दी थी हमने। और कमलेश और कलावती की शादी कराई थी, वो भूल गया क्या? और उससे पहले सुनील की और माधवी की शादी कराई थी, वो तुझे याद नहीं है क्या? ए, अरे सब याद है, क्या क्या हुआ था सब याद है। तू इतना टेंशन क्यों दे रहा है भाई, शांत रहना। ए, थोड़ी देर चुप रहो यार, गरुत्मा के घर की मुर्गी उसी की तरह है, पहले उसे खाने की बात सोचेंगे। सुब्रमण्यम, 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 सुनो दोस्त। क्या हुआ? अपने पांडे और कविता को जहर पिला के मार दिया यार। क्या, किधर है वो? दोनों की लाश को पंचायत घर में छुपा के रखा हुआ है, मैंने देखा इसलिए भागकर तुम्हारे पास आया। चलो चलो चल 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 जल्दी। अब इससे क्या फायदा? अरे क्या हो गया, कैसे हो गया, फालतू बातें मत करो, अब जो भी करना है वो जल्दी करो। इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका फैसला कौन करेगा? किसी को मारना कैसे हो? अरे दोनों एक दूसरे से चार बार बहुत अच्छे से कभी झगड़ा भी नहीं किया। हटो 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 हटो। ये कैसे हो गया? पांडे, तूने खुश रहने के लिए शादी किया था ना, मरने के लिए थोड़ी किया था। ये सब कैसे हो गया यार, कैसे हो गया? ये सब उन्हीं लोगों की चालाकी है, हमें उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। उठना उठना। पांडे, पता नहीं किसने मार दिया, अभी तक तो हमें समझ में नहीं आ रहा ये लोग किसका नाम ले रहे बहुत गलत हुआ ये सब, बहुत गलत। सुब्रमण्यम, तुमने बीज बोया था लेकिन मैंने फसल काट दी। अब समझ गया ये भरत कौन है। छोड़ेंगे नहीं तुझे। ए सुब्रमण्यम, अभी झगड़ा करने का टाइम नहीं है, इनका क्या करना है वो सोचो। चलो भाई उठाओ उठाओ, चलो चलो भाई चलो चलो उठाओ भाई उठाओ उठाओ उठाओ। अगर वो भारत मेरे हाथ लग गया ना तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। ए मनोज, ये बोल बचन नहीं चलेगा, याद रखना, हमें उसे मारना होगा। मैं उसे अकेले ही मारूंगा। ए, ऐसा क्यों बोल रहा है कि ये काम तू अकेले करेगा, हम सब मिल करके उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। सिर्फ हाथ पैर तोड़ने से कुछ नहीं होगा, उसको खत्म करना होगा।
ऐसे क्या देख रहे हो? हथियार उठा के मारने में डर लगता है क्या? तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे अकेले मारने के लिए ही काफी हूँ। ए, तू हम सबको अकेला कर देना चाहता है? अच्छा ये बता, हमने कभी अकेले काम किया है क्या? हम सब दोस्त मिलके काम करेंगे। तो फिर चलो। अरे दोस्त दोस्त, ऐसे बैठे रहने से क्या होगा? गांव के अंदर जाकर देखेंगे तभी तो पता चलेगा। दोस्तों ये मत सोचना कि हम सब पुलिस वाले से बच गए और हमें वो छोड़ देंगे। वो लोग अभी भी हमें ढूंढ रहे होंगे, समझे? वो लोग हमें कभी भी पकड़ सकते हैं। पता नहीं वो महालक्ष्मी क्या कर रही होगी बेचारी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पुलिस वाले हमें क्यों पकड़ना चाहते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। बात कुछ भी हो, हम पता करके ही रहेंगे। इन लोगों ने जो कुछ किया है, इन्हें इनकी सजा मिलनी ही चाहिए और उन्हें सजा हम देंगे। ए, रुक जाओ यार, थोड़ा गांव में शांति होने दो, फिर उसके बाद हम सब अलग अलग उस जगह पे जाएंगे। उसके बाद ये पता करेंगे कि महालक्ष्मी को क्या हुआ। ए भाई, ऐसे सोचने से बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें जल्दी ही हम सबको कुछ करना होगा, समझे? पहले उस कृष्णा को ढूंढना होगा। मैं थोड़ी देर में वहां लेके आ जाऊंगा, सब तैयार है ना वहां पे? हाँ ठीक है, आ रहा हूं मैं। भाई साहब, भाई साहब। हाँ हाँ ठीक है, रखता हूँ। बस 10 मिनट में लड़की तैयार हो जाएगी। हाँ, उसके बाद कुलदेवता के मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। अगर देर किया ना तो सुब्रमण्यम की तरह कोई दूसरा आ जाएगा। भाई वो कौन है, क्या है और किस गांव से क्या करके आया है, उसकी कुंडली तुमने 2 दिन में कैसे पता कर ली और उसके बाद तुमने उसकी मंगनी भी तुड़वा दी? तो क्या छोटी मैम साहब से आप बहुत प्यार करते हो क्या? चल बे पागल, मेरी काबिलियत पे शक मत कर। 500 लड़कियों को फंसा के रख सकता हूँ, लेकिन ये करोड़ों की जायदाद उस लड़की के नाम है। उससे शादी करने के बाद वो मेरे नाम हो जाएगी। अच्छा तो ये बात है। क्या बात है, क्या बात है? हाँ थटा, तू इस घर का नौकर है ना, अपनी औकात मत भूल, समझ गया ना तू? भाई ये तंगाराज साहब का घर है क्या? ये कौन है भाई, इसको तो पहले कभी नहीं देखा। ए, तू कौन है? ये कौन है यार, पैर की तरह मेरी तरफ आ रहा है। मैं उन चारों का दोस्त हूँ भाई। गांव में जिस लड़की की इज्जत लूट के भाग गए, तू उसका साथी है? भाई आप गलत कर रहे हो। वो सुब्रमण्यम ने उस लड़की को पसंद नहीं किया, भारत ने उसकी इज्जत लूटा था। मैं अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो मुझे धमकी देकर मारने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं उससे डर से इस गांव में भटक रहा हूँ भाई। बात है, मुझे बचा लो, बचा लो मुझे, वो मुझे जान से मार डालेगा। तेरी तो तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? मुझे
उसे कहाँ भाग रहा है? तेरी तो मैं महालक्ष्मी। क्या हुआ? महालक्ष्मी रुक जाओ, मैं कह रहा हूं रुक जाओ। महालक्ष्मी रुक जाओ, ए, रुको बेटा तुम रुक जाओ। महालक्ष्मी रुक जाओ, मैं कह रहा हूं। ए, रुक जाओ महालक्ष्मी, महालक्ष्मी रुक जाओ, मैं कह रहा हूं रुक जाओ। महालक्ष्मी रुक जाओ, हट जा सामने से मेरे। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है, जायदाद के लिए ऐसा ऐसा मत करना बेटा, ये सब ठीक नहीं है। अपनी लालच के लिए उस महालक्ष्मी की जिंदगी मत बर्बाद करो बेटा, मत बर्बाद करो। मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। हट जाओ मेरे सामने से। हाँ बेटा, तुमने इस गांव में जितना भी अन्याय किया मैं इसलिए सह रहा था कि तुम मेरे बेटे हो, पर ये क्या, तुम तो अपने बाप की ही जान लेने पर तुल गए। अरे बेटा अभी भी रास्ते पर आ जाओ। हट जाओ मेरे सामने से। वो सिर्फ मेरी है, मैं उसे अपना बना के रहूंगा। तेरा मरना जरूरी था, क्योंकि खुद भी तू चैन से नहीं जिएगा और दूसरों को भी नहीं जीने देगा, इसलिए मैंने ही तुझे मार दिया। अरे ये क्या कर दिया आपने, इसे मार क्यों दिया? ये किसी लायक नहीं है जीजा जी, इसी ने अपनी माँ लक्ष्मी की जिंदगी खराब कर दी। लेकिन आपने इसे मार कर कानून अपने हाथ में क्यों लिया? अब आंसू बहाए ये मैं नहीं देख सकता जीजा जी, मैं आपके इस खानदान पर दाग नहीं लगने दूंगा, नहीं लगने दूंगा जीजा जी। अपने बेटे की गलतियों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। वो मेरी बेटी है, कहीं भी जाएगी सब कुछ संभाल लेगी, छोड़ो उसे। रोकिए रोकिए, गाड़ी रोकिए। क्या हुआ, क्यों दौड़ कर आ रही हो, क्या बात है, कहीं जाना है क्या तुम्हें? मुझे मदुरई, मदुरई जाना है, वहाँ छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है ठीक है, मैं भी मदुरई जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आ जाओ बैठ जाओ। थैंक यू। सुनो, तुम चाय पियोगी? नहीं चाहिए। दोस्त, मैं बेटी करण बाजार में पार्टी छोड़ने आया, वहां मिली है, लगता है बहुत पैसे वाली है। तुम एक काम करो, जहां हमेशा मिलते हैं ना वहीं आके मिलो, भूलना मत, और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए ये बात, ठीक है? फोन रखता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा,
वैद्य जी, ओ वैद्य जी, क्यों वैद्य जी, जैसे मैंने कहा वैसे ही कर रहे हो ना? आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। वो जिंदा रहनी चाहिए लेकिन उसे कुछ याद न रहे, मेरे बारे में उसे कभी याद नहीं आना चाहिए। भाई साहब ये लो, ये लो, ये तुम्हारा हिस्सा। अगर धोखा दिया तो मैं तुमको ऊपर भेज दूंगा, सीधा स्वर्ग, याद रखना मेरी बात। चलो रे। सुब्रमण्यम पुलिस से भाग गया है। वो वहां से भाग सकता है लेकिन इस भरत से बच नहीं सकता। सुन लिया कृष्णा वेनी, वो लोग क्या बात कर रहे थे? अगर उन्हें पता चल गया कि तुम होश में आ गई हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात मानो और तुम यहां से तुरंत चली जाओ, आगे जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, ठीक है? अगर मेरी माँ सही होती तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। पाप तो उसने किया और सारा दोष सुब्रमण्यम पे लगा दिया। ये सब सोच के मुझे बहुत दुख हो रहा है। पहले तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारे जाने के बाद ही लोगों को पता चलेगा कि सुब्रमण्यम सही था। जाओ 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 जल्दी जाओ, आजा आजा, आओ आओ आओ, जाओ 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 जल्दी जाओ। कहाँ थी तुम? कहाँ थे तुम? बताओ ना कहाँ थे? बोलो ना कहाँ थी तुम? बोलो, बोलो ना कहाँ थी तुम? कहाँ थी तुम? बोलो ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ ना क्या हुआ था उस दिन, बताओ ना।
उस दिन अगर तुम उससे शादी कर लेते हैं ना, तो आज ये मेरी हालत नहीं होती। मैं तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, इसके लिए भगवान से मन्नत भी मांगा था, पर ना तुमने ना भगवान ने मेरी मदद की, किसी ने मेरी मदद नहीं की। और उस शैतान ने मेरी इज्जत लूट के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सुब्रमण्यम। बताओ, चुप हो जाओ, बताओ क्या क्या हुआ था, और क्या हुआ था, और क्या होता, बताओ मुझे, बताओ। मेरी माँ, भाई वो लोग बहुत उछल रहे हैं, बस आप एक बार हाँ कह दीजिए, मैं उन लोगों का काम तमाम कर देता हूँ। सर हमेशा तुम जल्दबाजी करते हो, कोई भी काम जल्दबाजी में खराब हो सकता है, इसलिए हमें हर काम पूरी सावधानी से करना होगा। मैंने उन्हें खत्म करने का पूरा इंतजाम कर दिया है, क्यों रे कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी? अरे थोड़ी देर में उनकी कहानी खत्म हो जाएगी सर। ए दोस्त उसे पकड़ो, भाई उसे छोड़ना नहीं। क्या हुआ, क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ? सुब्रमण्यम कहाँ है? सुब्रमण्यम वो तो कृपा स्वामी के मंदिर गया होगा। वो भरत ने सुब्रमण्यम को मारने के लिए बाहर से गुंडे बुलाए हैं, वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तुम सुब्रमण्यम को ये सारी बात बता देना संजय। हाँ ठीक है, तुम जाओ मैं बता दूंगा। हाँ, ठीक है। हाँ। क्या मछली उछल रही है? छोड़ मुझे। भरत के कब्जे में आकर कोई बच नहीं सकता, और मैं छोड़ूंगा रहे, ऐसे कैसे छोड़ूंगा जान, तुम्हारे जैसी मछली को खाने में बहुत मजा आएगा। मैंने कहा छोड़ मुझे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अरे चल चल, चिल्लाने जितना चिल्लाना है यहाँ कोई नहीं आएगा, आज तुम मेरे से बच नहीं सकती। चल क्या कर रहा है? छोड़ उसे, छोड़ मुझे, छोड़ दे, ए हट, छोड़ दे उन्हें, चल। ये तो मेरी बेटी का दुपट्टा है। हाँ हाँ ये कृष्णावती का ही है। क्या हुआ तुझे? बोलते क्यों नहीं तू?
बेटी क्या हुआ, बता रहा क्या हुआ बेटी, ये क्या हो गया? कौन हो तुम, क्यों रो रही हो? ये भगवान, कौन हो तुम? ये भगवान, ये क्या हो गया? उस पापी ने मेरे बेटे को धोखा दे दिया रे। ये भगवान, मैं क्या करूं, अबे किसे बताऊं? क्या हुआ तुम्हें? मेरी बच्ची, क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? भगवान ऐसे मत कर। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, हाँ छोड़ो। ए भारत, मुझे मार रहा ये सोच के खुश मत हो जाना। प्यार के लिए जान लेने वाले इस दुनिया में बहुत हुए होंगे, लेकिन आज इतिहास देखेगा प्यार के लिए जान देने वाले को। खड़ा क्या है, मार दे मुझे, वो इतिहास ही रहेगा। मारो उसको। इस दुनिया में जीने का मुझे कोई हक नहीं है, उस पापी ने मुझे बर्बाद कर नहीं, दिया। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, तुम मत कहो ऐसा। तुम सुबु, सुबु बचा ले यार, सुबु बचा ले यार, सब खत्म हो गया सुबु। ये क्या हुआ? सुब्रमण्यम, ये क्या हो गया? नहीं, 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 मैंने कहा था ना कि नहीं, नहीं, मुझे जीने को कोई हक नहीं है। तुम, देखो ऐसी बातें मत करो, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम खुश रहना, खुश रहना सुब्रमण्यम, खुश रहना, खुश रहना तुम। नहीं, सुब्रमण्यम, इस भरत से पंगा लेकर तू जी नहीं पाएगा, ऐसा मैंने तुझे बार बार कहा, लेकिन मेरे दोस्त तूने मेरी बात को माना नहीं। मैं इसे खत्म करूं क्या? रुक जाओ, एक लड़की के लिए तीनों दोस्तों को मारा और अब अपनी प्रेमिका को भी मार दिया, ये सारा गांव जानता है। सारा काम मैंने किया, लेकिन इल्जाम लगा इस पर। इसको उठाकर गांव से बाहर फेंक दो। ठीक है भाई। अरे क्या हुआ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ए दुराई, वो बुरी तरह फंस गया, अब वो किसी हाल में बच नहीं सकता। मैंने इस लड़की की इज्जत लूटी थी, लेकिन इल्जाम लगा सुब्रमण्यम पर और मैं साफ बच गया। तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, ऐसा क्यों किया तूने? तू
तू उसके साथ बाप की तरह रहेगा ये सोचा था मैंने, पर मुझे पता नहीं था कि तुम की आज दिन का सांप है। तू जैसे राक्षस को जीने का कोई हक नहीं है। तुम मुझे मार कर खुश मत हो, क्योंकि अभी अभी मैं तुम्हारी बेटी को बेच कर आया हूँ। अरे पापी, हे भगवान कृष्णवती, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं अकेला नहीं मरूंगा, मैं तुमको अपने साथ लेकर जाऊंगा। कैसी है लड़की? लड़की मस्त है यार, कहाँ से पकड़ा इसे है? अरे मैंने तुझे फोन पर सारी बात बताई थी ना, पार्टी को छोड़कर आ रहा था तो ये खुद ही फंस गई मेरी जाल में। जितना सोना पहना है लग रहा शादी से बात कराई है, आज तो इसे शिकार बना लेंगे। हाँ दोस्त, सही मच्छी फंसी है, आज काठी डालेंगे। ए दोस्त, वो भाग गई, चलो चलो। कौन है? चल चल चल, रुको। ए रुको, रुक जाओ। पकड़ इसका, पकड़ो। पकड़ो लड़की, रुक। कहाँ जाएगी? बचा के कहाँ जाएगी? रुक जाओ। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। तू भागेगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा क्या? नहीं, मैं हाथ छोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। सुब्रमण्य तो हीरो बनता है। इसकी तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ती हूँ, मुझे कुछ मत करना। प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो। नहीं, नहीं। छोड़ दूं? ऐसे ही छोड़ दूं? आ जा दोस्त। इतनी सुंदर लड़की को ऐसे ही छोड़ दूं मैं?
सुब्रमण्यम, तुम आ गए सुब्रमण्यम। तुम मुझे ढूंढकर यहाँ आओगे मैं जानती थी। क्या हुआ? चलो यहाँ से। आ जाओ, मैं यहाँ हूँ सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। हमारा दोस्त सुब्रमण्यम किसी भी तरह से उस लड़की को शादी करके गांव में वापस ले आया। मुझे माफ कर दे बेटा। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा महालक्ष्मी, वो सब मुझे बुला रहे। बचपन से हम एक साथ यहाँ खेला करते थे, पर मैं उनकी जान नहीं बचा पाया। उनके मरने की वजह सिर्फ मैं हूँ। मैं वो सब मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत। सुब्रमण्य, जो हुआ सो हुआ, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। चलो चलो। ये वो बकरियां हैं जो बुरे इंसान की महक सुनकर ही पीछे हट जाती हैं, और ये इंसान ना खुद ढंग से जीता है और ना उन बकरियों को जीने देता है। और इन्हीं बकरियों को चराने वाले इंसान अगर किसी लड़की की इज्जत पर कोई हाथ डाले तो उस इंसान को ये लोग मारने से भी नहीं डरते हैं।